अच्छा, इसके इंटीरियर का जो सबसे बड़ा रात के टाइम का ड्रॉबैक है ना, जो इधर है फिर भी थोड़ी सी, जो मैं फिंगर्स थंब पे हैं फिर भी थोड़ी बहुत लाइट्स हैं, लेकिन इसका आपका हाथ इधर होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती साउंड और ट्रैक वगैरह आगे पीछे करने में जो भी है। लेकिन इसके जो खास तौर पे जो मिरर्स अगर किसी ने सेट करने हैं, या अगर पीछे से कोई बहुत ज्यादा हाई बीम मार रहा है तो अगर मैंने इसको टेम्परेरली ऑफ करना है, मतलब फोल्ड करने है, इसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं है। देखा अभी पता लग रहा है कोई, जैसे नीचे भी उसकी लाइट है फॉग लाइट की, इसमें जरा नहीं पता लगता कि आपका हाथ किधर, आपको हाथ लगा लगा के देखना पड़ता है कि उसका बटन किधर है। ये जो इंटीरियर लाइटिंग के हिसाब से ना, जो इधर जो बटन दिए हुए हैं ना, अभी जो नजर आएंगे लाइट, अगर स्ट्रीट लाइट हो जिस तरह अभी नजर आए थे, जो स्ट्रीट लाइट में जो जिस तरह अभी नजर आया था, वैसे जो बटन दिए हुए ना इधर रिट्रैक्टेबल मिरर्स के, और अगर उनको फोल्ड करना है, ये इसके अंदर कोई डिम लाइट या जिसके भी जो बैकग्राउंड लाइट है वो होनी चाहिए थी। इससे कम से कम ये है कि आपको ड्राइव करते हुए अगर आपने इनको यूज करना है तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो जाती है। जिस तरह बाकी सारी जगह पे इग्निशन लाइट्स है, नीचे है, इधर है, यहां पर नहीं है। इसका ये मेरे ख्याल में ड्रॉबैक है, इसको अपग्रेड कर सकते हैं।